ऐसे तो आप लोग केले की सब्जी अलग अलग तरीके से बनाकर खाते हैं, लेकिन जब आप लोग एक बार हमारे तरीके से केले की सब्जी बनाकर खाएंगे तो आप अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। सो हेलो एवरीवन, मम्मी के रसोई हिंदी चैनल में आप लोग का स्वागत है। बहुत टेस्टी और नए तरीके से, बहुत आसान तरीके से बनाने वाले, तो आप लोग इस वीडियो को देखिएगा। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम ले लेंगे 3 मोटे मोटे केले को। इसके बाद क्या करना है, आप लोगों को केले को अच्छी तरीके से वॉश कर लेना है। इसके बाद क्या करेंगे, इसके सारे छिलके को हटाएंगे। तो हम 4 केले हमने लिया है, तो ऊपर जितने छिलके ना सबको हटाकर वॉश करके छोटे छोटे पीसेस में कट करके रख देंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं कि आगे क्या करना है। तो लुक एट दिस, हमने रख दिया है। तो अब हम इसमें डालें कुछ हटके मसाला। तब हम इसमें डालेंगे पहले बेसन। तो हम 2 से 3 चम्मच बेसन को डाल देंगे। ये मैं थोड़ा अलग तरीके से बता रही हूँ, तो आप लोग एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई करिएगा। हल्दी पाउडर को डाल देंगे, लाल मिर्ची पाउडर को डाल देंगे। नॉर्मल मसाला जो सभी लोगों के घरों में रहता है, आप लोग वो हल्का हल्का लेकर डाल देना है। काली मिर्ची जीरा पाउडर को डाल दीजिएगा, नमक डाल दीजिएगा एज पर टेस्ट। इसके बाद क्या करेंगे, सबको अच्छे तरीके से मिला लेंगे। तो ऐसे तो नॉर्मल जब हम केले की सब्जी बनाकर खाते तो ऐसे फ्राई कर लेते हैं, बट हम थोड़ा इसमें अलग मसाला डालकर, अलग से बेसन डालकर फ्राई करेंगे, तभी अलग टेस्ट आएगा। मिक्स कर लिया सबको, तो गैस पर हम चढ़ा देंगे कढ़ाई को और हम उसमें डाल देंगे सरसों का ऑयल। आप लोग जो ऑयल पसंद करते वो ऑयल डाल सकते, बट सरसों का ऑयल में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। फिर हम क्या करेंगे, सारे केले को डालकर ऐसे ही हम इसको भून लेंगे। फ्राई नहीं करना है, मतलब आप लोग को छानना नहीं है, बस ऐसे ही भून कर तैयार कर लेना है, क्रिस्पी सा बनाकर तैयार कर लेना है। 8 से 10 मिनट लगेगा पूरा क्रिस्पी होने में, पूरा क्रिस्पी आप लोग को बनाकर तैयार करना है। तो जब पूरा अच्छे तरीके से क्रिस्पी हो जाएगा तो क्या करेंगे, सबको निकाल लेंगे। आप लोग इसको ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत ही अच्छा आता है टेस्ट। तो फिर से हम चढ़ा देंगे कढ़ाई को और हम इसमें डाल देंगे ऑयल को। इसके बाद क्या करेंगे, हम इसमें डाल देंगे हल्का सा जीरा को और हम हल्का सा डाल देंगे हींग को। हींग से डाइजेस्ट हो जाता है, तो अगर आप लोगों को पसंद हो तो ज़रूर डालिएगा, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं। प्याज को डाल देंगे बारीक कट करके, आप लोग को प्याज और साथ में हरी मिर्च को डाल देना है। अच्छे तरीके से सबको पकाएंगे। 4 हम सूखी लाल मिर्च को भी डाल देंगे, अच्छा फ्लेवर आएगा डालने से। थोड़ा सा हम डाल देंगे हरी मिर्च और साथ लहसुन का पेस्ट बनाकर डाल देंगे। अदरक आप लोगों को नहीं डालना, अगर आप लोग को पसंद तो डालेगा, बट कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है डालना। मिला लेंगे और हम इसको 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे सबको। तो अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर। तो हमने एक बारीक कट करके टमाटर डाल दिया है इसमें। अब हम इसमें डालेंगे मसाला। तो 1 चम्मच हम इसमें डाल देंगे धनिया पाउडर को। इसके बाद 1/2 चम्मच हम डाल देंगे हल्दी पाउडर को, 1/2 चम्मच डाल देंगे काली मिर्च जीरा पाउडर को, 1/2 चम्मच डाल देंगे हम इसमें लाल मिर्ची पाउडर को। आप लोग अपने हिसाब से कम ज़्यादा करके डाल सकते हैं मसाला, ये नॉर्मल में जो सभी लोगों के घरों में रहता है। हल्का सा पानी डाल देंगे, सबको मिलाएंगे और हम मसाले को फाइनली पकाएंगे 4 से 5 मिनट तक। ऊपर से हम डाल देंगे 1 चम्मच सब्जी मसाला पाउडर को, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इसके बाद डाल देंगे थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर को, ज़्यादा यूज़ नहीं है, हल्का सा यूज़ करना है, अगर है तो डाला दरबे स्किप कर सकते। नमक डाल देंगे एज पर टेस्ट। बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होने वाला है। अब हम क्या करेंगे, मसाले को 4 से 5 मिनट तक फ्राई करेंगे। एज यू ऑल नो, जब तक आप लोग मसाले को फ्राई नहीं करते तब तक इसका फ्लेवर नहीं आता है। थोड़ा सा हम इसमें डाल देंगे कसूरी मेथी को, और ज़्यादा फ्लेवर आएगा। तो अब हम इसमें डाल देंगे पानी। फाइनली मसाला को हमने 4 से 5 मिनट तक पका लिया है। पानी आप लोग अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब हम इसमें डाल देंगे सारे केले के पकौड़े को, मिला देंगे और हम क्या करेंगे, इसमें 1 से 2 उबाल आ जाने दे देंगे। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर करिएगा। 2 से 3 उबाल आने के बाद लुक एट दिस, है ना, बहुत ही यम्मी। जब आप लोग एक बार बनाकर ट्राई करेंगे तभी आप लोग का असली टेस्ट पता चलेगा। तो आप लोग एक बार बनाइए और अपना फीडबैक हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस रेसिपी।